तो आप देख सकते हो ये मेरा प्यारा सा किचन है और आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन के अंदर पास्ता। आज छुट्टी है तो मम्मी ने बोला पास्ता बना दे, तो पास्ता बनाने के लिए मैंने सारी वेजिटेबल्स भी रेडी कर लिए और ये वाला पास्ता मैं बनाऊंगी, मेरी मम्मी का फेवरेट। और पास्ता को बॉईल करने रख दिया है और अभी मम्मी ने मेरे लिए चाय बनाया तो मैं चाय पीऊंगी। और ये है अमूल के चीज क्यूब्स और ये अमूल का बटर और ये है मेरी मम्मी के हाथ की बनाई हुई चाय। चाय पीते पीते मैं आपको अपने पास्ता का रेसिपी दूंगी और जिस जिसको मेरी तरह पास्ता बनाना वो मेरे पूरे इस ब्लॉग को पूरा देखना, बहुत मजा आएगा आपको, है ना? तो मिलते हैं। हॉल से मंदिर कुछ ऐसा दिखता है, हम सामने बैठते हैं और भगवान का मंदिर ऐसा है। यहाँ है मेरा सोफा और यहाँ है मेरे घर में मेरे भगवान जी का मंदिर। और माता श्री चाय की चुस्की भी ले रही है और साथों साथ टीवी का मजा भी ले रही है। देखो कितनी अच्छी लाइफ है ना मेरी मम्मी की, है ना मम्मी? ये देखो इस लड़की को देखो, आतंक का दूसरा नाम है ना बाबू भैया। सो आइए हम चेक करते हैं हमारा पास्ता बॉईल हुआ है या नहीं। तो पहले मैं एक पीस ऐसे ले लूँगी, इसको मैंने रख दिया किचन पे और इस एक पास्ता को मैं कट करूँगी और ये इतना इजीली कट हो गया। सो इसका मतलब मेरा पास्ता अच्छे से बॉईल हो चुका है। और जब भी पास्ता बॉईल होगा ना तो ये ऐसे कुछ दिखेगा। अगर आपका पास्ता बॉईल नहीं हुआ है ना तो अंदर एक आपको गोल लाइन दिखेगी, सो उससे आप समझ जाना कि आपका पास्ता बॉईल नहीं है। तो सो मेरा पास्ता बॉईल हो चुका है तो मैं इसको भी फिर से पानी में डाल देती हूँ और इसको मुझे ठंडे पानी से वॉश करना है। गैस को किया बंद, अब हम करते हैं अपना दूसरा प्रोसेस। तो इसको पहले मैं एक बाउल में निकालूंगी और ठंडे पानी से इसको वॉश करूंगी ताकि मेरे पास्ता चिपके ना। तो आप देखिए आपके भी पास्ता ऐसे ही बनाना, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे गाइस। पता स्टार्ट ही, आपको पता है कि हम व्हाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें व्हाइट सॉस की जरूरत होगी। तो व्हाइट सॉस बनाने के लिए जो भी रेसिपी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो व्हाइट सॉस बनाने के लिए हमें यूज करना एक चम्मच मैदा और दूध और इसके अंदर आप चीज भी डाल सकते हो और इसमें कंपलसरी हम बटर डालेंगे। तो व्हाइट सॉस कैसे बनाएंगे सो वो भी आपको देखना है मेरे ब्लॉग में। तो चलो स्टार्ट करते हैं व्हाइट सॉस बनाना गाइस। ये है पैन, गैस ऑन कर दिया है, अब इसमें डालूंगी मैं बटर। ये है अमूल का बटर और बटर लिया मैंने। बटर को भी अच्छे से डालना है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि आप बनाने जा रहे हो पास्ता। तो आप देख सकते हो मैंने कितना सारा बटर डाला है और इस बटर को मुझे करना है अच्छे से गरम। बटर डालने में नो कंजूसी। बटर गरम हो रहा है, बटर को पूरा जलने नहीं दें। उसके पहले आपको इसमें डालना है एक चम्मच मैदा, ठीक है? ये मैंने एक चम्मच पूरा मैदा डाला है, मैंने दो बार आधे आधे करके मैदे लिए थे इसलिए अभी ये मेरा एक चम्मच पूरा हो गया। अब मैं इसके साथ इसको अच्छे से भून दूंगी, इसमें अच्छे से भूनना है मैदे को, जलना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी जलने मत देना नहीं तो आपका सॉस बहुत गंदा टेस्ट देगा और बहुत गंदा फ्लेवर आएगा। आप देख सकते हो दोनों भी कितने अच्छे से मिल चुका है, छोड़ दो, कितना अच्छे से ये दोनों मिल चुका है, कितना मस्त पक रहा है। आप देखो इसे ऐसे ही आपको कुछ इस तरीके से ही पकाना है गाइस, बिना कंजूसी किए हुए ही बनाइए, कंजूसी बिल्कुल ना करें। ऐसा भी नहीं कि ज्यादा मैदा डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा या कम डालेंगे तो अच्छा आएगा, आपको पास्ता में सॉस कितना डालना उसके हिसाब से ही आपको बनाना है। अब ये देखिए कितने अच्छे से बॉईल आ रहा है, पक रहा है और गैस का फ्लेम बहुत ही स्लो रखना है, फास्ट नहीं रखना है। वाव ये प्यार, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसकी गाइस, थोड़ा सा गाना भी गा रही हूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर, अब इसको हल्का सा पका लिया है, अब मैं इसके अंदर डालूंगी एक बाउल दूध, एक कटोरी दूध। अब दूध डाल दिया मैंने,
अब ये कुछ ऐसे दिख रहा है और ये धीरे 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 गाढ़ी हो जाएगी। इसको आपको धीरे धीरे पकाना है और लम्स ना बने इसलिए इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। मैं लम्स नहीं बनने दे रही हूँ। ये है मेरा वाइट सॉस, पास्ता में डालने वाला वाइट सॉस। ये रहा पास्ता और ये रहा मेरा सॉस। तो ये पक रहा है, तब तक हम पास्ता को पानी में डाल के अच्छे से क्लीन कर देते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं गाइस। अब मैं इसमें पास्ता को पहले खाली कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ठंडे ठंडे पानी को भरूंगी बर्तन के अंदर और एक छलनी की मदद से मैं इसके अंदर डालूंगी पास्ता को। ठीक है, गरम गरम पास्ता है तो गाइस हाथ ना जले इसलिए इस ठंडे पानी में मैं इसको पास्ता को डालूंगी जिससे मेरा पास्ता थोड़ा ठंडा हो जाए और चिपचिपा बिल्कुल भी ना बने। आपकी उंगली आ रही है तो मैं उंगली हटाऊं। तो मैं आपको वीडियोस बनाने नहीं आता है, पकड़ने भी नहीं आता है, इसके लिए उसको सिखा रही हूँ भाई। ये पानी, एक्स्ट्रा पानी फेंक दिया मैंने जिसमें मैंने पास्ता को बॉइल किया था। अब देखो इसमें अच्छे से इसमें मैं हाथ डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरा पास्ता ठंडे पानी के अंदर है और एक भी पास्ता चिपक नहीं रहा। तो मैं पास से दिखाओ, ये देखो गाइस एक भी पास्ता चिपक नहीं रहा है ना मेरे हाथ में ना ही एक दूसरे में। ठीक है गाइस, तो अब मैं इसको इसके अंदर डाल देती हूँ। पहले पानी को छान, मेहनत है बट इतना भी हार्ड नहीं है। आप अपनी तरह बनाती हूँ गाइस। काफी लोग अलग तरीके से पास्ते को बॉईल करते हैं। तो ये देख सकते हो आप मेरा पास्ता। पास्ता हमने कर लिया अच्छे से पास्ता को, पास्ता में से एक्स्ट्रा पानी भी निकाल लिया और यहाँ पे आप देख सकते हो सॉस भी मस्त मस्त गाढ़ी हो गई है मेरी। ये सॉस और बटर देख सकते हो कैसे अलग से दिख रहा है और सॉस मस्त गाढ़ी हो गई है गाइस। और आप देख सकते हो मैं सॉस में ज़रा सा भी लम्स नहीं बनाए, कुछ भी नहीं बनाए। आप चाहिए तो इसके अंदर हल्का सा और नमक डाल सकते हो। मैं नमक नहीं डालूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी पास्ता में नमक डालने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो ये है हमारा वाइट सॉस, पास्ता का सॉस। वाव, सो अमेजिंग सॉस। इसको आप जितना चाहो उतना पका सकते हो बट बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने देना है आपको इसको। चलो अब हम बनाते हैं पास्ता। इसके अंदर 2 टेबलस्पून डाल दिया है मैंने ऑयल। अब ये ऑयल पक जाएगा तो इसके अंदर मैं ये वेजेस डालूंगी गाइस। वेजेस मैंने वॉश करके ही रखे हुए हैं, वॉश करने की नीड नहीं है दोबारा से मुझे। और ये पत्ता गोभी है ना, आपको ज़्यादा लग रहे होंगे बट ये जब अंदर जाएगा ना तो ये बहुत कम हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो वेजीज डालना है मुझे। ऑयल को अच्छे से गरम करना है पहले। आय हाय, देखो वो ऑयल कितना प्यारा प्यारा अच्छे से पक गया है। तो मैं इसके अंदर पहले डाल दूंगी गार्लिक। मेरे नेल्स एक्सटेंशन की वजह से तो ये यार मुझसे उठता भी नहीं है, ये मुझसे उठ जाए। नेल एक्सटेंशन कराना बहुत अच्छा लगता है बट नेल एक्सटेंशन के साथ काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें किसी भी चीज़ को, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पका दोगे ना तो वो फ्लेवर नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए एक्चुअल पास्ता में। तो ऑनियन को थोड़ा सा पिंक होने देंगे, उसके बाद हम दूसरे वेजेस डालेंगे उसके अंदर। तो गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें प्लीज़ यार, थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी कीजिए क्योंकि हम भी नए नए ब्लॉगर हैं तो हमें भी आप लोगों के सपोर्ट से ही प्रेरणा मिलेगी कि हमें आगे वीडियोस बनाने हैं या नहीं। तो ये थोड़ा सा पिंक हो जाएगा ना तब मैं इसके अंदर ये सारी वेजेस डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा आपको किसी भी वेजिटेबल को नहीं पकाना है, इस बात को ध्यान रखना मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरी रेसिपी है और मेरे हाथ का पास्ता सच में बोलूँ मैं सबको बहुत पसंद आता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। आप मैं मम्मी जब खाएंगे तो आपसे मैं आप मम्मी के साथ आपके सामने मैं मम्मी से रिव्यू भी लूँगी तो आप देखना मम्मी का क्या रिव्यू है।
थोड़ा सा हल्का सा वेजी में से पानी छूटेगा, तब तक इसको हल्का सा ही पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाने वाली मैं, थोड़ा सा कच्चा पक्का ही रहने देना है। मेरे मिनी ब्लॉग्स को भी प्लीज़ आप लाइक किया करो, मेरे मिनी ब्लॉग्स को भी, मेरे मिनी शॉर्ट्स को भी प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ यार इन सब चीज़ों में। मैं एक सलोन ओनर भी हूँ, सलोन के साथ साथ मैं वीडियोस में भी बहुत ध्यान रखती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें। आप देखिए जब मैंने पत्ता गोभी डाला था तो कितना ऊपर तक था, और अभी कितना कम हो गया, और अभी ये और भी कम होगा गाइस। मेरा किचन थोड़ा मैसी है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं पास्ता बनाने में बिजी हूँ। पूरा पास्ता बना लूँगी तो किचन भी साफ कर दूँगी। अब ये चीज़ क्यूब है ना, इसको मैं अच्छे से क्रश करूँगी, क्योंकि मुझे चीज़ को पास्ता में डालना है राइट। और अक्खा अक्खा को नहीं डालूँगी मैं, इसको अच्छे से चुट 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 करूँगी। यार निकल ही नहीं रहा है ये, इतना मस्त चिपक गया है ये देखो ना। और यहाँ पे वेजिस पक रहे हैं। अब ये देखो ये काम है ना सौम्या का है, इसको आधा फाड़ के रखा है इसने। क्या बताऊँ यार, जिसकी किस किस के घर में छोटी लड़की है जो परेशान करती है, कमेंट में बताना मुझे। मेरे घर में तो है शैतान। मम्मी ना पीछे टीवी देख रही है तो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होगा। यहाँ दिखाओ सोमिया, वही दिखा रही जो रेत रही है। चेहरा भी आएगा, चलो चुपचाप शूट करो, बोलो मत। अभी तो कैमरा बंद करो एक बार। ये चीज देखो, ये मैंने कितने अच्छे से इसको क्रश कर दिया है इसकी हेल्प से। और ये है मेरा पास्ता, और यहाँ पे वेजिटेबल अच्छे से पक रहा है, और मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने अच्छे से पक चुका है गाइस। तो आप देख सकते हो मैंने सारी वेजिटेबल्स को, व्हाइट सॉस को और चीज़ को सबको डाल के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है, और आप देख सकते हो बहुत इजी है यार गाइस, ये बनाना बहुत इजी है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। बस हम सोचते हैं हर चीज़ को डिफ़िकल्टी से, बट होता कुछ भी नहीं है। इसको इसमें बहुत थिकनेस है अभी, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क डालूंगी, क्योंकि मैंने चीज़ डाला इसके लिए थोड़ी सी थिक हो गई है। सो ये है नमक, मैं डालूंगी पास्ता में स्वाद अनुसार। ओरिगिनो, ओरिगिनो है ये जो हमारे पास्ता में चार चांद लेके आएगा। और अब मैं डालूंगी इसमें चिली फ्लेक्स। तो अब आपको पता चल गया मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली क्यों नहीं डाला, क्योंकि मैं इसके अंदर डालने वाली थी इतने सारे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स और ओरिगिनो ही इस पास्ता की जान है, और इससे ही पूरे पास्ता में फ्लेवर और टेस्ट आता है गाइस। देखिए अब मेरे पास्ता का पूरा ही फ्लेवर और पूरा ही कलर है ना, लिटरली चेंज हो जाएगा। ओ माय गॉड, ना लजीज बन गया हमारा पास्ता। ये तो खाने के बाद घर वाले ही बताएंगे, मैं तारीफ क्या ही करूं अपने मुंह से। ये हमारी माता जी का फरमाइश था कि आज प्रिया तुमको बनाना है वाइट सॉस पास्ता। इसमें इसको रेड भी बनाते हैं, पिंक भी बनाते हैं, हर एक कलर में बनाते हैं। अगर आप लोगों को पिंक पास्ता खाना हो ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के भेजना कि पिंक पास्ता की रेसिपी दो, तो मैं आप लोगों के लिए पिंक पास्ता भी नेक्स्ट मंडे ज़रूर बनाऊँगी। क्योंकि मंडे के दिन मैं घर पर होती हूँ, तो मंडे के दिन आप मुझे बोलोगे तो मैं मंडे के दिन आपको पास्ता के रेसिपीज और फ्लेवर्स दे दिया करूँगी। तो बताइए कैसा लग रहा है आपको ये पास्ता देखने में। ऊपर से आप इसमें चीज़ डाल सकते हो, ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना है तो इट्स ओके।
तो कैसे लगा आज का मेरा पास्ता रेसिपी, वो तो मम्मी खा के बताएंगी। सो चलते हैं देखते हैं मम्मी का रिएक्शन। तो ये पास्ता रेडी हो गया, हम मम्मी के पास लेके चलते हैं और देखते हैं मम्मी टेस्ट करके इसका क्या रिएक्शन बताने वाले हैं। तो गाइस आ जाइए, मम्मी के पास चलते हैं पास्ता लेके। मम्मी ये है माता जी। मम्मी आप पास्ता खाओ और टेस्ट बताओ आपको कैसा लगा आज का पास्ता। मम्मी खुश हो गई, फूंक मारो, गर्म है, टेस्टी, मजा आ गया। बताओ आप कैमरे में एकदम मस्त है, एक नंबर। आप लोग भी ये पास्ता घर पे बनाना, ऐसे ही ट्राई करना, बहुत मजा आएगा। और नेक्स्ट पास्ता आपको कौन सा वाला देखना है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय।